सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भीड़ जान। थोड़ी जानकारी लेते हैं, तो भैया कैसा पत्थर है? इतना नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है इस पत्थर के बारे में यार, बस इतना बोलते हैं कि हाँ कि उसमें चार गोली लगी है और मैं फिलहाल इसकी रील बनाने खुशी हूँ, तो यहाँ पर जो है काफी अच्छा फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आई होप यू गाइस आर वेल। तो अभी मैं हूँ जोलीगांठ एयरपोर्ट के पास में, तो आज यार लोग यहीं का बनाएंगे और आगे जो है दो चार चीजें और भी कवर करेंगे। तो मेरे साथ मेरा कैमरामैन सुफियान है, तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं जंगल के पास में ये पकड़ा हुआ हूँ, तो सुफियान का जो है फोटोशूट चल रहा है, उसका फोटोशूट कर रहा हूँ, मतलब कैमरामैन ये मेरा है और मैं फिलहाल इसकी रील्स बनाने में बिजी हूँ। तो यहाँ पर जो है काफी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि व्यू बड़ा प्यारा है और सुफियान पीछे आ चुका है, अपने आप को रोक नहीं सका बिना कैमरे के। कैमरे में आने का बहुत ज्यादा शौक है, आप दिखा सकते चेहरा जब आ ही गया है, तो पीछे जो है भाग चुका है, तो अब आगे के लिए चलते हैं। तो अभी अभी यहाँ से जो है एक एरोप्लेन जो है फ्लाई कर गया है, तो हमें उसे करने का टाइम नहीं लगा शूट, क्योंकि सुफियान जो है अपने रील्स में मुझे बहुत ज्यादा बिजी रख रहा था, तो सुफियान जो है आज मुझसे पिटेगा। और अब चलते हैं जहाँ पर हमने अपना लक्ष्य तय कर दिया। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से जो है निकलते हैं, क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पर आने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है, मतलब हम जा सकते हैं लेकिन जो वीडियोग्राफी है वो नहीं करने देंगे अंदर, वो उनका पर्सनल एरिया है, तो हम यहाँ पर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं और जो हम आगे आपको दिखाने वाले हैं, वहाँ पर जो है अंग्रेजों ने बहुत साल पहले पत्थर चलाए थे, तो वो भी एक मतलब गोलियाँ चलाई थी, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, मतलब गोली चलाई थी, पत्थर पे जाके लगी थी, तो उसे देखने के लिए भी लोग पर्यटक आते हैं, तो हम आपको आज वही दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और अब वहीं पर चलकर आपको मिलते हैं। तो ये सामने का व्यू है यहाँ से जो है, ये एयरपोर्ट के लिए जाता है रास्ता, और ये है सामने, ये हमारा जो है, थोड़ा जूम करने की कोशिश करूंगा, कैमरा जो है फट जाया, कैमरे की जो है ज्यादा फट चुकी है। तो ये रास्ता है एयरपोर्ट के लिए जाता है, और उधर एयरपोर्ट है सामने पीछे, देखिए थोड़ा सा यहाँ से नजर आ रहा है वो है, इधर ऋषिकेश हरिद्वार के लिए रोड जाता है, तो व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है यहाँ से। गाइस हम पहुंचने वाले हैं चांद पत्थर की तरफ, तो हमने अपना आधा सफर से ज़्यादा पूरा कर लिया है, तो वो पब्लिक से हम पूछ पूछ के रास्ते में जा रहे हैं। पहले हमने मैप लगाया था, लेकिन अगर मैप लगा देंगे तो फिर वीडियो कैसे बनाएंगे। चांद पत्थर ऊपर ही है, चांद पत्थर शुक्रिया। तो हम पब्लिक से जो है पूछ पूछ के जा रहे हैं, तो हम सब हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने पता नहीं कौन कौन से क्या पूछ लिया हो, मान लो भैया ने हमें ऐसे ही सारा किया ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर कुछ जीत गया उन्हें, और ऊपर देख के बीचों बीच आ चुके हैं गाइस, यहाँ पर जो है व्यू देखिए कितना प्यारा है, थोड़ा रुक के बनाओगे यहाँ से। तो वहाँ पर देख सकते हैं आंटी जी कितने ऊपर चढ़ी हुई है, अरे भाई जी। तो दोस्तों वहाँ पर एक गुफा टाइप की मुझे नजर आ रही है, पता नहीं क्या है वो, देख सकते हैं आप, ये जो बीच में है क्या है पता नहीं, तो पता नहीं क्या होगा, तो ये शायद पुल है, मुझे पुल टाइप का कुछ लग रहा है। देखो तो देख सकते हैं आंटी जी कितना स्ट्रगल कर रही है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और अब हम लगभग थोड़ा ही सफ़र रह चुका है बाकी, तो पहुंचने में लगभग मेरे ख्याल से 5-10 मिनट ही बची होगी, तो हम पहुंचने वाले हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, अब आधा सफर हमने पूरा कर लिया है, मतलब आधे से ज़्यादा ही हम कह सकते हैं, लगभग हमें 5 मिनट अभी और लगेगी, तो मैं आपको पीछे का व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पहाड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, उत्तराखंड में आपको देखने के लिए पहाड़ ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें, माफ़ कीजिए कुछ नहीं कह दिया था मैंने, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हम पहाड़ों के बीच में, तो उधर मुझे एक आंटी दिखे हैं, वो इतना ऊपर से पेड़ काट रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड से कैमरे की, आंटी जी चली गई, और आंटी जो है चली गई है यहाँ से, मुझे सुफियान ने बताया, और सुफियान जो है इधर अपना व्लॉग शूट करने में लगा है।
तो चलिए चलते हैं आगे, उसके बाद दिखाता हूँ आपको वहां पर पहुंचकर। मुझे भी वेट नहीं हो रहा क्योंकि मैं खुद पहली बार आया हूँ। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं। भीड़ जो है हमें दिखाई दे रही है यहाँ से जो है, क्योंकि लोग जो है आ रहे हैं, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। बहुत लंबा सफर तय करके जंगलों के बीच से और मैं बियर गिल्स की तरह घुस चुका हूँ। तो ये भैया मिले हमें, भैया थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो भैया कैसा पत्थर है? भैया इतना नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है इस पत्थर के बारे में। खैर भाई इतना बोलते हैं कि हाँ कि उसमें चार गोली लगी है, वो दिखती है। अच्छा मतलब नीचे झांकना पड़ेगा वहां से, वहां से देखना पड़ेगा वो तो। हाँ तो शुक्रिया भैया का, बोलते चलते हैं आगे उधर से। तो नहर के पास जो है पानी जो है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, गर्मियों का मौसम है। उसके बाद मैं आपको सारे व्लॉग जो दिखाने वाला हूँ वो सब रिसोर्ट या वक्त से रिलेटेड होंगे, जहाँ पर जो है आप घूमने ले आते पिकनिक कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो देखिए उधर से हम जा रहे हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर हमें दिखे थे जब हम स्टार्टिंग में आए थे उधर से। तो अब मैं बाइक सीधा लेके अंदर ही घुस चुका हूँ क्योंकि लोग बाइक पीछे खड़ी करके आ रहे हैं। तो पानी जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। भैया थोड़ा और आगे है इससे, तो स्लेब के ऊपर से जाना पड़ेगा। हाँ तो गाइस फाइनली हम देखने को से किधर है पिछली तरफ पीछे, तो भैया को ही बुलाना पड़ेगा, भैया ही हमारी हेल्प करेंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे ऊपर चढ़ चुका हूँ, अरे बहुत ज्यादा खतरा है, अरे बाप। तो गाइस ये है वो ऊपर से व्यू, पहाड़ भी है और भैया ही आगे। कौन सा वाला सर्कल सा है? नहीं सर्कल सा दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, यहीं पे है ये देखो। वो देखो यहाँ से लाइन से चार गोली के निशान भी है, चार गोली के निशान। हाँ वो लग तो हम जा रहे हैं, हाथ दे मुझे। तो फाइनली गाइस हम निकलने लगे, सुफियान आ जा मेरे भाई। तो चट्टान के बीच फंस चुके थे सुफियान, सुफियान को खींचने के लिए आना पड़ा वापिस। अब निकलने लगे यहाँ से और काफी ज्यादा तंग जगह है। सुफियान एक बार फिर हाथ पकड़ेगा, आ जा मेरा कैमरा मैन, अच्छा कैमरा मैन है। अब चलते हैं यहाँ से उधर, जंप ले सुफियान भाई, कूदूंगा ये मेरे कूदूंगा। गाइस ये है जो पानी चल रहा है, पानी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त पानी देखने में लग रहा है, मतलब आप साफ पानी लग रहा है, देखने नहा भी सकते हैं। तो उधर सामने जो है, हेलमेट उठा ले भाई, तो चलते हैं यहाँ से। तो सामने जो है प्यारे प्यारे फूल भी लग रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उधर से एक फूल तोड़ के ले जाऊँ और किसी लड़की को गिफ्ट कर दूँ। जीएफ तो है ही नहीं भाई, सिंगल लौंडे हैं। तो उधर जो सोच रहा हूँ मैं ये एक गुलाब जो है यहाँ से तोड़ूं, देखिए क्या मस्त प्यारा सा फूल लग रहा है। तो है नहीं, गुलाब तो नहीं कह सकते इसे, तो प्यारा सा फूल है। तो ये फूल मैंने तोड़ा है, ये मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए है। सो गाइस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए, जो मैं मांग रहा हूँ आपसे आप दे नहीं रहे हो। तो आज का यार व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे और अच्छे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और मैं आपको दिखाता रहूँगा ये प्यारे व्लॉग्स। तो चलिए मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।